अस्सलाम वालेकुम। आज के स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स की क्या अहमियत है और ग्रुप्स कैसे काम करते हैं और ग्रुप्स की क्या जरूरत पड़ती है जब 3D मॉडलिंग आप कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, दो अभी ग्रुप में बने हुए हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, ग्रुप से हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले हम इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट्स में ये देखें, इसकी एजेस अलग हैं, इसके फेसेस अलग हैं, ये देखें ये बटन शटन सारा कुछ अलग है। तो अब अगर हम इनको क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करके मूव करते हैं, ये देखें ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना, वो पूरा ऑब्जेक्ट खराब हो जाता है। तो हम इसको प्रिंट ऑफ जी कर देते हैं। जब हमें इसको मूव करना है या इसका साइज, इसको रिसाइज करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करें और इसको मेक ग्रुप, इसको हम ग्रुप में चेंज कर दें। अब ये ग्रुप में चेंज हो गया, अब हम इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें अभी हम इसको इजीली मूव भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको साइज वगैरह कम या ज्यादा करें तो इस पिक के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी सारी चीजें आपस में कंबाइन हो गई हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये देखें अब ये अलग फेस है, ये अलग फेस है, ये देखें ये अलग फेस है हमारी, के ये अलग अलग फेसेस हैं हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो डोर हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाए, और हम क्या करेंगे कि इसको फेस को सिलेक्ट किया है, अब हम आके इसके सिलेक्ट में जाकर ऑल कनेक्टेड, ऑल कनेक्टेड में जाएंगे तो ये सारे फेसेस जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करना है, मेक ग्रुप। अब ये ग्रुप बन गया, यही अब हमने यहाँ पे भी करना है। इसमें हमने सेलेक्ट में जाना है, ऑल कनेक्टेड में जाना है, तो ये सारे कनेक्टेड हो गए, और अब हमने इसको भी ग्रुप में चेंज कर देना है। अब इस फेस को भी हम कर देते हैं इसी तरह ऑल कनेक्टेड, और इसको मेक ग्रुप कर देते हैं। अब ये हमारे पास सारे ग्रुप बन गए। अब हमने इसको मूव करना है, तो सिंपल हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको भी हम मूव करके ये दो डोर हमारे लग गए। अब हमने क्या करना है कि नीचे वाले डोर को भी हम इस तरह लगा देते हैं, अब हमारे पास हैंडल रह गए हैं। तो हैंडल्स का भी हमने सेम वही तरीके का करना है, ऑल कनेक्टेड करके अब इसको हमने मेक ग्रुप कर दिया, और इसका भी फेस को सिलेक्ट किया, ऑल कनेक्ट किया, और इसका हमने मेक ग्रुप कर दिया। सेम ये प्रोसीजर, सिलेक्ट, ऑल कनेक्ट, और इसको भी हमने मेक ग्रुप कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इन हैंडल्स को उसके ऊपर लगाना है, तो हम इन हैंडल्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, और हमने अब इनको क्या करना है, मूव कर देना है। हमने ग्रीन एक्सिस पे इसको मूव किया है, और ये अब अपनी जगह पे आ गए हैं, ये देखेंगे। इसको हल्का सा हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये थी ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस। कोई भी चीज जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो जब आप उसको ग्रुप्स में चेंज कर देते हैं, तो आप अपनी मर्जी से उसको मूव कर सकते हैं, और उसकी शक्ल में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ग्रुपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रुप स्केचअप के हवाले से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।